बोलिए जगत गुरु भगवान श्री चंद्र महाराज की जय। आओ अज तुहानू दर्शन करवाने आ उदासीन आश्रम डेरा बाबा टेकदास जी पिंड संघेड़ा जिला बरनाला जिथे बैल संत स्वामी माधवानंद जी की 24 सालाना वर्सी अस्थान के मौजूदा गद्दी नशीन बैल महंत सुखदेव मुनि देखरेख हेठ समूह नगर निवासी अते इलाके दे संगत सहयोग नाल बहुत ही श्रद्धा नाल मनाई गई। इस मौके आरंभे श्री मध दे पाठां दे भोग पाए गए। वख वख महापुरशां अते पाठक ब्रदर धनौड़ा दे कविश्री जत्थे ने लंबा समा संतां दी महिमा दा गुणगान कीता। ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਮਤ ਸ਼ਾਂਤਾਨੰਦ ਜੀ ਬੀਰੋਕੇ, ਮਤ ਮੱਗਰਦਾਸ ਜੀ ਖੁੱਡੀ, ਮਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾਨੰਦ ਜੀ ਧੂਰਕੋਟ, ਮਤ ਰਮੇਸ਼ਮਣੀ ਜੀ ਭਾਗੀ ਬਾਂਦਰ, ਮਤ ਬਲਕਰਾਮ ਜੀ ਬੀਰੋਕੇ, ਮਤ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੱਠੇਵਾਲ, ਮਤ ਸੁਰਮੁਖਦਾਸ ਜੀ ਲੱਲਾ, ਮਤ ਗੁਰਮੇਲਦਾਸ ਜੀ ਪਖੜਿਆਲ, ਮਤ ਵਿਚਾਰਦਾਸ ਜੀ ਝੰਡੂਕੇ, ਮਤ ਗੰਦੂਰਦਾਸ ਜੀ ਔਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਮਤ ਮੰਗਲਦਾਸ ਜੀ ਧਨੌੜਾ, ਮਤ ਸੁਦੇਵਦਾਸ ਜੀ ਹੰਡਿਆਇਆ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੁੱਜੇ। पूरे शब्द प्रभ मिलिया तिनको पर जा पूजन आई, तिनको पर जा पूजन आई, तिनको पर जा पूजन आई, तिनको पर जा पूजन आई। वाहो वाहो करे सी जन सोहणे, वाहो वाहो करे सी जन सोहणे, वाहो वाहो करे सी जन सोहणे, वाहो वाहो करे सी जन सोहणे। ਮਨ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
समूह नगर निवासी नगर सेवकों वालों रल मिल के अपने गुरु महाराज श्री मानिक सवट ब्रह्मलीन स्वामी माधवानंद जी महाराज उन्होंने जी 24वीं वर्षी है उन्होंने सालाना मिठी याद है उन्होंने बड़े प्रेम के नाल सत्कार के नाल स्नेह के नाल श्रद्धा के नाल मना रहे हैं जिदा कि कल दे दिन तो लैके श्री अखंड पाठ साहब प्रकाश ने अज मध्य भोग पाए हैं कल नूं जो संपूर्ण भोग वो पैने हैं एक सौन नूं क्योंकि हर साल महापुरशां ने सौन एक सौन का जिहड़ा दिन है वह महापुरशां दी वर्षी दे निमित्त रख्या होया है तो सज्जनों ये जिहड़े जोड़ मेले है जां महापुरशां दी सालाना याद है इनू मनाउण दा इको एक मूल मंत्र है कि साढ़े सारे दे हिरदयां दे विच साढ़े सारी संगत दे विच नाम दा वाणी दा सिमरन दा भजन दा वंदगी दा सेवा दा जिहड़ा बीज है बीजा जा सके क्यों क्योंकि इंसान दा जन्म आया पढ़न सन को वाणी नाम विसार लगा लालच बिरथा जन्म परा जिहड़ा जन्म होया जिहड़ा इंसान दा जम है वो सजनों वारी वारी नहीं मिलता जिहड़ा जम आ तुहानू मिलिया इंसान दा ये बाणी सुनने वास्ते बाणी पढ़न वास्ते जिहड़ा आत्मा दे कल्याण वास्ते तुहानू ये जीवन मिले है जे इस पौड़ी तो इस रास्ते तो इस समय तो असीं खुंझ गए तो फिर दोबारा बहुत लम्मा पेंड है इहदा क्योंकि दसदे कि 84 लख जूनी है 84 लख जूनी भोगण तो बाद फिर इंसान नूं इंसान दा जामा प्राप्त हुंदा सो बड़ा बड़बुल्ला बड़ा एक मौका सानूं परमात्मा ने इंसान बना के इस धरती ते भेजे ताकि असी जिहड़ा अपना जीवन है इहनूं सेवा दे विच ला के सिमरन दे विच ला के भगती दे विच ला के उस रब दा नाम लैके वाहिगुरू दा नाम लैके इहनूं सफल कर सके लोक अते परलोक दोनों नूं सहेला करके जिहड़ा मुक्ति वाला मार्ग है जिहदे च आपां पए होए आ क्यों क्योंकि आत्मा जिहड़ी अपने शरीर दे विच है सजणो परमात्मा तों विछड़ी होई करूह है इहदा जदों इन्हें समाप्ति होनी है लिप्त होनी है लय होनी है तो परमात्मा की जोत दे विच जोत मिलन तो बाद होनी है सो परमात्मा नूं जोत दे विच जोत मिलाउण दा जिहड़ा तरीका सिर्फ मनुखा जीवन है होर किसी जूनी नूं अधिकार नहीं किसी जूनी दे विच इंसान का जिहड़ा आत्मा का परमात्मा दा नाल मेल नहीं हो सकता सिर्फ इंसान जदों मनुखा जीवन धारण कर लिया भजन बंदगी सिमरन वाले पासे पै के अपने मन इंद्रियों ते कंट्रोल करके मन ते जित प्राप्त करके उस परमपित परमात्मा दे लड़ लग गया तो फिर इस जन्म तो छुटकारा पा के मुक्ति का जिहड़ा मार्ग उहदे वल इंसान वध जांदा सो तुसीं साढ़े बड़े प्रेम दे नाल बड़े सत्कार दे नाल बड़े स्नेह दे नाल साढ़े महापुरशां दा साथ दे के हर साल महापुरशां दी सालाना जोड़ मेला सालाना वर्षी मनाउंदे हो सो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਛੱਡੀ ਕੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਧਰ ਕੇ ਧਰ ਕੇ ਧਰ ਕੇ ਓਏ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੰਗ ਤੇ ਓਏ ਦਿਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਓਏ ਦਿਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਚਾ ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਜਗ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾ
रब ने परी तां पौण पक्कियां रहन सदा नाम जप दे जप दे जप दे ओए वेद भी है उपमाना कर सकी दे ओए कर सकी दे बंदिया सेवा सेवा वे खानी चोली भर जाऊगी ओ मिलू मेवा ओ मिलू मेवा जो साधुआ नु मंदा कदे बोल दे जो साधुआ नु मंदा कदे बोल दे ओ नरका नु जान संग दे संग ते ओ राजियां तो बन जांदे तेरे मंगते ओ तेरे मंगते हो जथा सच्चियां तनौने वाला आखदा जथा सच्चियां सच्चियां तनौने वाला आखदा सभा विच गौण संगते बोल के बोल के हो भग तू दे ओते गाम दे ओ नाप तोड़ के ओ नाप तोड़ के ओ नाप आए है महामान देवन के तप में सुख पाप लख मरे तब दर रह पाप ताप मिल जान लगाव मिलंग यो पंगार बाबा लिये सुर साज मिलाव सुख कार बोझ
शिव अवतार को जगत के उतार को समान दूज चंद को तपस्या के तपी को बला समय गति को प्रकाश सदानंद को शरण तीन ताप के हरण को जिमो कति करण को कठिन दुख बंद को चंद को करिंद मुनि बंद को कटोज साढ़े बंद को न सुन माया तंद को ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤਿਲਕ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਠਲ ਸਰਦਾਰ ਜੇ ਐੱਸ ਵਾਲੀਆ ਸਰਦਾਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕੱਟੂ ਆਦਿ ਦਾ ਮਹੰਤ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ
इस दुनिया ते रोंदी करलाउंदी धरती नूं जदों पाप वध गए दूर करन वास्ते कल तारण गुरु नानक आया उन्हां दे ग्रह विखे दो सपुत्रां ने जन्म लिया बाबा श्री चंद जी ते बाबा लक्ष्मीदास जी। उन्हां ने अगों उस परिवार की फलवाड़ी दे विच जो संपर्दा चलाईया उन्हां नूं वड्डा डेरा छोटा डेरा जां उदासीन डेरे कहा गया ते उन्हां विच्चों ही ये स्थान है जिहड़ा वो उदासीन संपर्दा नाल संबंध रखने वाला स्थान है। मैनू माण है कि 5-7 बार मैनू इत्थों दे वर्सी समागमों दे प्रोग्रामों दे विच शामिल होने का समा मिलिया। बड़ी खुशी की गल है कि ये डेरा जिहड़ा गुरमत परंपरावां नूं अगे ले जा रहा है। गुरबाणी जिहड़ी है गुरमत जो है गुरु नानक की जो फलवाड़ी है वो दो देश लैके मुख रूप विच ये लुकाई दे भले लई चलती है। उन्होंने विच्चों एक है विद्या देनी सिक्ख्या देनी पाठशाला खोलनी, दूसरा जो है दुखियां नू गरीबां नू रोगियां नू दवाई देनी। ये डेरे विच मैं ये दोनों जिहड़ियां गल्लां ने वो देखियां ने अखीं देखियां ने। माधवानंद जी महापुरश इत्थे इन्ने प्रसिद्ध वैद सी कि पंजाब तो बाहरों भी लोग इत्थे उन्हां कोल दवाई लैण आया करदे सी। ते मैं क्योंकि मेरा नानका पिंड है इन्हां गलियां दे विच ही मैं इत्थे हसदा खेडदा रहा। निक्कियां निक्कियां इट्टां मैं पिछले पासे दियां गली दे विच जांदा देखदा हुंदा सी। सो बहुत पुरानियां यादां जुड़ियां ने मेरियां इस डेरे नाल इस गुरु घर नाल अते महात्मा माधवानंद जी नाल उन्हां तों ला के मैं जुड़िया हुआ। उस तों बाद साढ़े पंजाबी साहित नाल जदों मेरा वाह पिया तां राम सरूप अणखी जी अमर कोमल जी अते पंजाबी दे जिन्ने भी साहितकार ओम प्रकाश जी गासो जिहड़े हुण मौजूद ने वो सारे जदों भी उन्हां ने देखो किताब लिखनी होर गल है उन्हूं छाप के लोगों तक भेजना एक होर गल है। लेख ने जिहड़े फकर किस्म के बंदे होंदे ने साधुओं दा रूपी होंदे ने उन्हां कोल पैसे तो नहीं होंदे छापण वास्ते लोगों तक पहुँचाउण वास्ते लिखण वास्ते कलम जरूर चलती है। सो मैनूं जिन्नी क जानकारी है उहदे मुताबक साडे महापुरख मगरदास जी बैठे ने डेरा पंचमा खुडी वाले इन्हां दे डेरे महंत प्यारा सिंह जी दे बरनाले वाले डेरे अते माधवानंद जी दे इस डेरे विच जदों भी सानू उन्हां साहितकारां नूं कोई किताब छपाउण लई मदद की लोड़ पैंदी तां इन्हां दे दर ते इन्हां दे हथ उन्हां वास्ते खुले ही रहे। दी दे विच्चों गुरु नानक जी दिसदे जप जी दे विच्चों गुरु नानक जी दिसदे पढ़ सुन बाणी दुख जनमां दे मिट दे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कर लो दीदारे सुखमनी सुखां दी मणी
गुरु पंजमा आवाजा मारे सुखमनी सुखा दी मणी गुरबिन कोर अंधार गुरु दस दे आसा जी दी बार विच दूजे गुरु बस दे जाइए सच्चियां गुरां तो बलिहारे सुखमनी सुखा दी मणी लैणा जे आनंद तीजे पातशाह नूं मिलो जी पढ़ के आनंद साहब फुल्लां वांगू खिलो जी भरो झोलियां सुखां दे नाल सारे सुखमणी सुखां दी मणी अमृत वेले वार आसा जी दी गावो जी गुरु रामदास जी दे दर्शन पावो जी आसां पूरियां करन गुरु प्यारे सुखमणी सुखां दी मणी नौवें पातशाह जी दे पढ़ो जी सलोकां नूं बैरागमई सलोक पाउंदे सिद्धे राहे लोकां नूं नाम सच बाकी कूड़ दे पसारे सुखमनी सुखां दी मणी त्रिलोचन कबीर नाम देव रविदास जी भगतां दी बाणी ताई गावो सास सास जी सैन साधने दी बाणी गावो सारे सुखमणी सुखां दी मणी गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी जगतार दी जेड़ा पढ़े सुने ओदे दुखड़े निवार दी हो मलकीत सच्चियां गुरां तो बलिहारे सुखमणी सुखां दी मणी गुरु पंजवा आवाजा मारे सुखमणी सुखां दी मणी। ये जवानी है तो बुढ़ापा है, अमीर है तो गरीब है, विद्वान तो कमला है, जे सौफी है तो वैष्णु भी है, सौफी है शराबी है। इस तरह परमात्मा ने दो दो चीज़ा बनाई ने, पर एक आनंद ही है इस तरह का, वो कोई कर्मा वाला बंदा ही प्राप्त कर सकता है। जे तुसी सिमरन करोगे आथन मेरे अरदास करो सच्चा पातशाह मैनू सवेरे उठन का बल बख्श आपका सिमरन करा। असी अरदास ही नहीं करते, असी उतो मंगते ही नहीं, तुसी मंगो तो असी मालक सच्चे पातशाह कृपा करूगा सानू सवेरे उठन की हिम्मत बख्शूगा। पहला तुसी सिर्फ 5 मिनट वाहिगुरू वाहिगुरू करो, उस तो बाद मालक की कृपा होगी, फिर सिमरन घंटे तक पहुँच जाऊ, तुसी भी उस आनंद नूं प्राप्त कर सकते हो। बाकी इतने कुछ नहीं है, जिन्ना भी कुछ दिस रहा है वो सब कुछ झूठा है। तो मैं आ साधु संतां दा बहुत धन्यवाद करदा, तुहाडे बड़े चंगे भाग ने जो इन्हां दे दर्शन कर रहे हैं। इस तरह के साधु संतां दे दर्शन कदे कर्मां नाल ही प्राप्त हुंदे हन। बीबी ते सेवादारा वल्लों तैयार किए गुरु के लंगर सारे महापुरशां ते संगतां ने इकट्ठे बैठ के छकिया ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਪਤੀ 16 ਜੁਲਾਈ 1 ਸਾਵਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰੰਭੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਸ੍ਰੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਮਹੰਤ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਦੋ ਜੀ ਬੋਲੋ।
ਇਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਨਾ ਗੂੰਜੇ, ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਏ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਪੁਕਾਰੋ ਫਿਰ। ਪੁਕਾਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਪੋ, ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਮੰਗੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਗਤੀਆਂ ਪੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਸ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਓ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਸਪਨਾ ਆ ਪੱਲੇ ਵਿਛਾਏ, ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਸਪਨਾ ਆ ਪੱਲੇ ਵਿਛਾਏ, ਨਿਵਾੜਾ ਜੋ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏ। ਸਪਨਾ ਦੀਆਂ ਸੁਪਗਾ ਦੋ ਜੀ, ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਾ ਦੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ, ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਾ ਦੋ ਜੀ। ਜਪੋ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ। ਦਰ ਛੱਡਣਾ ਨੀ ਤੇਰਾ, ਮਨ ਲਵੋ ਅਰਜ਼ੋਈ। ਨਿਵਾਣਿਆ ਤਮਾਨ ਵਧਾ ਦੋ ਜੀ, ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਾ ਦੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ, ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਾ ਦੋ ਜੀ। ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਧਰ ਨਿਹਾਰ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦਾਸੀਨ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਗੱਦੀ ਨਸੀਨ ਸੰਤ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਾਧਵਾਨੰਦ ਜੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੱਧ ਦੇ ਭੋਗ 9:30 ਵਜੇ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਮਾਧਵਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਚਲਾਈ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੱਘਰਦਾਸ ਜੀ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਂਤਾਨੰਦ ਜੀ ਵੀਰੋ ਕੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਦਾਸ ਜੀ ਵੀਰੋ ਕੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲੇ ਨੌਮੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਵਿਸਰੀ ਜਥਾ ਧਨੌਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਠਕ ਜਥੇ ਨੇ ਕਵਿਸਰੀ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਕਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਦਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰੇ ਵਰਤਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਥਾਯੋਗ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਨ ਕੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 16 ਤਰੀਕ ਇੱਕ ਸੰਗਰਾਂਦ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। 10 ਵਜੇ ਉਪਰੰਤ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਪਰੰਤ ਕਵਿਸਰੀ ਜਥਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰਾ ਤੁੱਟ ਵਰਤੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਸਮਾਧਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਵਾਂ ਦੇ ਜਾਤਕ ਬੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ, ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।